गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज पूरा एक महीना हो गया। मैं 14 तारीख को भुवनेश्वर से निकला था, आज 13 तारीख है, पूरा एक महीना हो गया। अभी हम आज चाइना एग्ज़िट करने वाले हैं, इस तरफ जो है खोरगस टाउन है और उस तरफ होरगस टाउन है कजाकिस्तान का। पता नहीं कितना टाइम लगेगा बॉर्डर एग्ज़िट में। तबीयत पूरा अभी मस्त है, बीच में बहुत ख़राब हो गया था ठंड के चलते, तो अभी 11 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं और पता नहीं बॉर्डर पे कितना टाइम लगेगा। कजाकिस्तान का वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए, आगे जाके देखना पड़ेगा क्या क्या नहीं है। और यहाँ से हम निकलेंगे तो अलमाटी सोच रहे हैं अलमाटी जाके रुके, पर बॉर्डर का सिचुएशन के हिसाब से हमको करना पड़ेगा। और ये होटल हम लोग आज यहाँ पे एग्ज़िट कर रहे हैं, ये वाला होटल है और यहाँ पे मेरा बाइक पार्क है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा चाइना में, कुछ अच्छा कुछ बुरा, पर ज़्यादातर अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे को अपने इंडियन फ्लैग लगाने नहीं दिया बाइक में, इसी का दुख है। पर सोच रहा हूँ कि अभी लगा के निकलूँ, देखता हूँ क्या होता है। फिर सारे रेडी हो गए, 11 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे। अभी तो यहाँ पे थोड़ा मौसम भी नरम है, धूप नहीं है, ठंड है, 14-15 डिग्री है। आगे जाके मौसम का पता करेंगे कितना है क्या नहीं है, फिर आगे का अपडेट फिर आपको देते रहूँगा। अभी स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके। बाय बाय चाइना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा चाइना में, कुछ अच्छा कुछ बुरा, फिर भी चलेगा, बहुत सुंदर जगह है। अभी ये मार्टिन रेडी हो गया, विपुल जेट रेडी हो गया, स्वानंद भाई, राजेश भाई सब रेडी हो गए। अभी बॉर्डर के बाद सब अलग अलग हो जाएंगे, अभी एक साथ जा रहे हैं बॉर्डर एग्जिट। मस्त नज़ारा था कल, सीनिक ब्यूटी, इट वॉज वेरी गुड, ब्यूटिफुल। बाय बाय चाइना। बॉर्डर के इस पार इतना डेवलप्ड होगा मुझे बिलीव ही नहीं था। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, पूरा यूरोप का जैसा ही है। बस अगर ये लाल लाल वो लाइट निकाल देंगे तो लगेगा यूरोप ही है। थोड़ा लाइट वाइट यहाँ पे ज़्यादा है, नहीं तो बाकी बहुत साफ सुथरा है, बहुत सिविलाइज्ड है एकदम। लोग बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा है। अगर कहीं खड़े हो जाए तो 5 लोग आते हैं पूछने कि क्या हो गया, क्या लेना है, क्या चाहिए। वो लोग हालांकि इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं पर ट्रांसलेटर है उनके पास, सबके पास ट्रांसलेटर है, सबको ट्रांसलेट करके बताता है। या ये एक सिटी के बीच नहर गया है और वो सब सिटी है, बहुत सुंदर सिटी है, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा, कहीं पे एक आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कागज भी नज़र नहीं आएगा, पूरा साफ सुथरा, बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। यहाँ के पुलिस भी बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, पेपर्स हैं, तो वो सैल्यूट करते हैं, पुलिस सैल्यूट करता है, सैल्यूट करके पूछता है क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया, क्या नहीं है। एक जगह मैंने रास्ते पे खड़ा हो गया हाईवे पे, तो पुलिस आके पहुंच गई तुरंत 5 मिनट में, मेरे को कोई तकलीफ ना हो। बड़ा अच्छा जगह है सही में, मैं इम्प्रेस हो गया। हम जा रहे हैं बॉर्डर के तरफ, मैंने इंडियन फ्लैग लगा दिया आज, जो होगा देखा जाएगा। चाइना में अरे थोड़ा टाइम के लिए फ्लैग ले रहा है क्या तो जाएंगे ना।
चाइना का बॉर्डर है। नेपाल साइड का भी ऐसे ही था उसका बॉर्डर गेट। ये चाइना साइड का मतलब कजाकिस्तान साइड का भी ऐसा ही है। यहाँ से एंटर कर रहे हैं हम लोग चाइना का बॉर्डर है ये। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ कजाकिस्तान का बॉर्डर कौन सा है? ये चाइना एग्जिट है। यहाँ सारे लोग खड़े हैं। अच्छा ये इमिग्रेशन है। क्या मस्त बनाया यार, एक अलग सा एक्सपीरियंस। हम ही लोग बाई रोड जा रहे हैं, सब कोई अपना बस है, अपना सब कोई अपना अपना जा रहा है और अभी लोग बाई रोड जा रहे हैं। ये हमारा कस्टम ऑफिसर है, वो लड़का जो वो लड़की के साथ बात कर रहा है वो कस्टम ऑफिसर और ये गाइड है। उधर जाने बोल रहा है। Stop receiving instruction. Okay. अभी हम चाइना से एग्जिट हो रहे हैं। आगे आपको दिख रहा होगा ये है कजाकिस्तान का बॉर्डर एंट्री। मतलब ये जो पीला वाला लाइनिंग दिख रहा है ये टोल गेट की तरह, ये एग्जिट है और उसके बाद वो जो है वो किर्गिस्तान का एंट्री है। 7-8 घंटा बाद हम लोगों को एग्जिट मिला। अभी सुबह 11 बजे से होटल से निकले हैं, अभी 6:30 या 7 बज रहा होगा। तो अभी हम जा रहे हैं कजाकिस्तान। ये इस तरफ का कजाकिस्तान बॉर्डर है। चाइना एग्जिट हो गया हम लोगों का। अभी पुलिस वाला हमको लेके छोड़ने वाला है इधर। यहाँ पे पुलिस छोड़ दिया हमको, हम आगे यहाँ पे जाएंगे कजाकिस्तान। ये हमारा कजाकिस्तान का एंट्री हो रहा है। कैमरा ऑफ कर दे। ये हम आ गए कजाकिस्तान में। अभी आगे जाके हम लोग का इमिग्रेशन होगा, कस्टम होगा। अभी लाइन पे हम लोग जा रहे हैं। अपना तो वीजा इंडिया के, जब इंडियन नेशन है तो वीजा फ्री है। वीजा हमें रही होगा, जाके वहाँ देखना पड़ेगा। सब लाइन पे खड़ा हुआ है, जा रहा है कजाकिस्तान। एंटर कर रहे हैं कजाकिस्तान। 8 घंटा वेटिंग
लोग एग्जिट मिला चाइना का, थोड़ा प्रोसेस डिले है उनका, शायद वो चाह नहीं रहे थे कि हम एग्जिट करें, पता नहीं क्या है अभी एंट्री होगा पाकिस्तान। अभी ऑफ कर देता हूँ, बॉर्डर आ गया। नूर जुली बॉर्डर पे क्या लिखा है, नूर जुली कंट्रोल पॉइंट। पुलिस आ गए हैं कजाकिस्तान के। ये बॉर्डर का वेयर हाउस है, यहाँ से हम लोगों का इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस इसके बाद होगा। अभी बॉर्डर एंटर हो रहे हैं हम लोग, पता नहीं क्या लिखा है ऊपर। हमारा कस्टम क्लियरेंस नहीं हो पाया क्योंकि कस्टम ऑफिसर नहीं है, कुछ पेपर आना बाकी है, 3 बजे तक आएगा। अभी जा रहे हैं लंच करने, फिर लंच करके आएंगे वापस। आने से यहाँ से कस्टम क्लियरेंस होगा और वो यहाँ का एग्ज़िट का पेपर देगा, उसके बाद फिर बॉर्डर पे एक बार और चेकिंग होगा, कस्टम क्लियरेंस इमिग्रेशन होगा, उसके बाद हम लोग एग्ज़िट करेंगे कजाकिस्तान। तो आज तो अलमाटी नहीं जा पाएंगे, रुकेंगे रास्ते पे कहीं पे बॉर्डर एग्ज़िट करके, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जा रहे हैं लंच करने, लंच करके फिर आएंगे यहाँ पे। अभी लंच हो गया, अब लोग फिर से जा रहे हैं वेयर हाउस के तरफ, वहाँ पे फिर से कस्टम क्लियरेंस होगा। पता नहीं अभी तक वो कस्टम ऑफिसर आया है नहीं आया है, अभी जाके देखना पड़ेगा। अगर आ गया होगा तो कस्टम क्लियरेंस हो जाए तो फिर हम लोग आज अभी निकल जाएंगे कजाकिस्तान। पता नहीं क्या सिचुएशन है, जाके पता चलेगा वहाँ पे। ये हमारे एजेंट को पता ही नहीं था बिल्कुल, ये पता था या फिर वो जानबूझ के ऐसे कर रहा था, तो डिले हो गया ये कार में। अभी 3:30 बज रहा है, अभी हम लोगों का यहाँ से वेयर हाउस से कस्टम क्लियरेंस हो गया, अभी निकल रहे हैं हम लोग बॉर्डर की तरफ। पता नहीं बॉर्डर में फिर कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे फिर बॉर्डर में बोलेगा कि सब सामान उतारो फिर चढ़ाओ, सामान चेक करो, बहुत लफड़ा है। अभी जा रहे हैं कजाकिस्तान, एंटर हो गया मैं कजाकिस्तान। ये आप देख रहे हैं बॉर्डर के बाद में चल रहा हूँ कजाकिस्तान की तरफ, अलमांडी की तरफ जा रहा हूँ अभी। ये इंडिया से लंदन का जो हमारा ट्रिप है, इसका 4th कंट्री है। तो पहला तो इंडिया, सेकंड नेपाल हो गया। नेपाल मुझे लगा नहीं कि ये मेरा जैसा फ्रेंडली कंट्री था पूरा, तो लगा नहीं ये एक दूसरा कंट्री है। उसके बाद 3 नंबर वाला हो गया चाइना, चाइना में गाइडेड एंट्री था, तो गाइड ने सब कुछ सारा किया, उसी के पीछे पीछे चलते थे तो पता नहीं चल रहा था कि ये वहाँ। हम लोग भी ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा और उतना मेरे को लगा नहीं कि ये पर यहाँ पे मैंने सारा कुछ खुद से किया, तो पता चल रहा है कि मैंने कुछ किया और ये 4th कंट्री मैंने एंट्री हो गया मेरा कजाकिस्तान। इसके बाद होगा उज्बेकिस्तान। अभी मैं जा रहा हूँ अलमाटी की तरफ, पहले मैं करेंसी एक्सचेंज करूंगा, फिर पेट्रोल डालूंगा, फिर बाइक का इंश्योरेंस करूंगा, फिर उसके बाद जो होगा देखूंगा कि अलमाटी पहुंच पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि अलमाटी यहाँ से 328 किलोमीटर है, 4 घंटा बता रहा है, तो पता नहीं मैं जा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ का टाइम कुछ अलग है चाइना से। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। मोबाइल ना फेसबुक ना यूट्यूब ना गूगल ना कुछ ऐप स्टोर प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड करने जा रहे थे तो नहीं हो पा रहा था। अभी यहाँ कजाकिस्तान में देखते हैं क्या होता है। अभी सामने कुछ बॉर्डर या पता नहीं कुछ चेक पॉइंट आया, पुलिस चेक पॉइंट या फिर कुछ, यहाँ पे शायद कुछ चेकिंग चलेगा। मोबाइल कैमरा बंद कर देता हूँ अभी, नहीं अभी ठीक है। अच्छा एंट्री का फ्री है, कोई चेकिंग नहीं अभी, कंट्री एंट्री कर रहे हैं क्योंकि सारा चेकिंग कर गए हैं, अभी एग्जिट के लिए उन लोगों को चेकिंग की जरूरत है। ये टोल है शायद, पता नहीं कुछ
पहले करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा, उसके बाद जो होगा। पूरा रेगिस्तान है। मेरे साथ जोशी भाई हैं, वो भी मेरे साथ चल रहे हैं अभी, और एक दो कंट्री तक मेरे साथ रहेंगे, उसके बाद फिर वो आगे निकल जाएंगे। अभी यहाँ से 300 किलोमीटर कुछ नहीं है, हमको एक आदमी बोला, अभी मेरे पास पेट्रोल भी कम है, आधा टैंक हाफ टैंक है पेट्रोल, और गैस नहीं है, पर एक अच्छा कि इंटरनेट है मेरा, पूरा इंडिया का सिम चल रहा है यहाँ पे, और इंश्योरेंस भी हमारे पास नहीं है, पता नहीं आगे कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे यहाँ पे एक मेरे को अच्छा ये लगा, जस्ट एंटर करते ही 4-5 किलोमीटर हम लोग आए हैं, उसके बाद ये पता नहीं इतनी खूब, मतलब ये सुगंध आती है यहाँ, खूबसूरत स्मेल आती है, कहाँ से आती है नहीं पता, पर बहुत सुंदर ये सा स्मेल आ रहा है। ये कंट्री का कुछ कुछ तो है, नहीं तो ये स्मेल कहाँ से आएगी। बहुत सुंदर सा स्मेल आ रही है। ये कुछ रिवर है सेजिन, उसका नाम है सेजिन। शायद ये जो पेड़ सब दिख रहे हैं उसमें शायद कुछ फूल लगे हुए हैं, पता नहीं, मेरे को दिख तो नहीं रहा फूल का, पर इसी पेड़ से ही कुछ स्मेल आ रहा होगा। बहुत खूबसूरत स्मेल आ रहा है, ब्यूटीफुल, एकदम सुंदर लग रहा है, पूरा इत्र छिड़का हुआ है रास्ते में, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, शायद यहीं से आ रही है, ये पेड़ से। मस्त है एकदम, क्या शानदार स्मेल है। पूरा सुनसान इलाका है, रास्ता जो क्या है 350 किलोमीटर तक, अभी 300 किलोमीटर तक कुछ टोल नहीं है, एक आदमी बताया, ऐसे हाईवे है, मैं स्पीड चल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पेट्रोल कम है, आगे कहीं पे पेट्रोल पंप मिलेगा तो फिर देखेंगे, कैश तो नहीं है कार्ड पे, अगर पेमेंट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे क्या जो होगा देखा जाएगा, ये तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालते हुए तो सोएंगे। बॉर्डर पे कुछ नहीं मिला हमको, नहीं तो बॉर्डर पे एक्सचेंज करा लेते, सिम कार्ड भी ले लेते, इंश्योरेंस भी ले लेते, पर यहाँ कुछ नहीं मिला बॉर्डर पे, बॉर्डर पूरा खाली था, एक दो छोटा छोटा दुकान था और कोई ऑफिस वगैरह वहाँ पे था नहीं, दुकान भी था नहीं कि सिम कार्ड ले लें या फिर कुछ था, उतना डेवलप्ड है नहीं बॉर्डर, नॉर्मल बॉर्डर है, रास्ता ठीक है, पर बॉर्डर पे कोई ऐसा छोटा सिटी भी नहीं है या टाउन भी नहीं है या फिर कुछ भी दुकान वगैरह नहीं है, आगे जाके देखते हैं।